ये कहूँगा कि अमित बहुत टैलेंटेड लड़का है, हमारे लिए बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई थी जिसमें और हमारी काफ़ी फिल्मों को एडिट किया, तो मैंने गुड टैलेंटेड यंगस्टर लाइक फिल्म बनाता है। काला काला नजर आ रहा है यार, कोई समझ नहीं, काला काला नजर आ रहा है, कोई भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा एनीवेज वी गो अहेड विद द कॉन्फ्रेंस। लाइट नहीं है क्या फायदा? अरे पर तेरा स्कॉलर है ना, पर माइक को लगा कर रखना, माइक को। अरे तब तक इधर फुटेज निकल जा रहा है। I was in Delhi, I think, at that time, and he called me and I came back and he convinced me and he offered me very lean choice. This is the project, yes or no. And I love decisions like that. He said no periphery, no nothing. And it was a yes. And it's been his energy and you know the way he's mobilized the project. So honestly speaking, this is my first debut movie and I'm so honored. Very simple coming of age film is an 18-year-old boy who meets this enigmatic, free spirited woman of 25 and falls hopelessly madly in love. You know, becomes intoxicated by her and appreciates and starts learning the true meaning of the word love. जो प्रिंट कैंपेन है वो हम यहाँ पर अनवेल करना चाहेंगे। इफ ऑल यू गाइस कैन कम ओवर हियर एंड अनवेल इट। आंखों के दर्शन बहुत जल्द आपके होने वाले हैं पेपरों में, न्यूज पेपरों में। मैम जी आप बीच में आ जाइए फॉर वन टू वन क्वेश्चंस राइट नाउ फॉर मीडिया इंटरेक्शन। अब दीपक को लेंगे। द फ्लोर इज ओपन राइट नाउ। जब कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में और कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो ऐसे भी कितनी कॉन्ट्रोवर्सी देखना चाहता है, पर मैं ये कहूँगी कि इन्होंने वही चीज दिखाई जो लोगों को देखना ज्यादा पसंद है। I still remember that day, 2 April 2011, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, तब से लेके आज तक की जो जर्नी है, I would say कि आपने मुझे बनाया है और आपने मुझे संभाला है, अब तलक, तो I just एक बार आप लोगों के लिए तालियां हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मैंने तो अपना एक कैरेक्टर पोर्ट्रेट करवाया है, जिस्म के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा किया था पोर्ट्रेट कैरेक्टर, और नशा के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा किया कैरेक्टर को। यार अपने से बड़े के साथ फिलहाल नहीं किया है, छोटे के साथ किया है, तो आई एंजॉय इट। वेल आई रिमेम्बर कि हमारी शूटिंग के दौरान ही 31st के दिन एक ड्रिंकिंग सीन है जिसमें एक्चुअली मैंने थोड़ी सी पी रखी थी एंड ऑल क्रू एवरीवन दे ऑल एंजॉय। मुझे याद है मैंने स्कूल डेज में एक लड़के को प्रपोज किया था व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, और उस शख्स ने जाके टीचर को कंप्लेन कर दिया था, मैं बहुत डर गई थी। तो तब से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, पर होगा तो डेफिनेटली मैं इस बारे में ट्वीट करूंगी। पुनम जी